टॉपिक जो है वो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू चार्ज है एंड यू पीपल नो द फार्मूला ऑफ दैट एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी इन वेक्टर फॉर्म, और अगर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखेंगे तो क्यू वी बी साइन थीटा होगा। एफ जो फोर्स है ऑन द चार्ज पार्टिकल वो किस डायरेक्शन में होगा, वो डिफाइन होगा विद द हेल्प ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वैक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट किन्हीं भी दो वैक्टर्स की जो है उसका जो रिजल्टेंट होगा वो उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी। जैसे कि आपका V इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इंडिकेट करता है, B आपका Y एक्सिस के अबाउट है, तो आपका V और जो B है वो X, ये X एक्सिस के अबाउट है और ये Y एक्सिस के अबाउट है, तो ये आपका जो प्लेन हुआ वो एक्स वाई प्लेन हुआ। आपके जो वी और बी हैं उनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो आप देख रहे हैं एक्स वाई प्लेन में है, तो उनका जो रिजल्ट होगा वो जेड डायरेक्शन में होगा, तो ये एफ की डायरेक्शन है। यहाँ जो वी है वेलोसिटी वेक्टर है उसको इंडिकेट किया है इस वे में, एंड दैट मेक्स एन एंगल थीटा विद रेस्पेक्ट टू y। तो अब इसके जो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट v cos थीटा, राइट, दूसरा कंपोनेंट आपका v sin थीटा होगा। सो ये v के कंपोनेंट हैं v cos थीटा एंड v sin थीटा। ये q चार्ज है, अभी चार्ज का नोटेशन शो नहीं किया कि ये प्लस है या माइनस है, राइट। सो b आपका ये है। नाउ इफ दिस थीटा इज जीरो देन टाइम, और यह 90 डिग्री है तब क्या इफेक्ट आएगा। व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो आपका फोर्स जो होगा उस पर फोर्स जो होगा वो जीरो होगा। इस थीटा जीरो का मतलब ये है कि अगर चार्ज पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन देन देयर विल बी नो फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल, राइट। एंड सिमिलर सेम केस फॉर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। एंड इफ सपोज थीटा इज 90 डिग्री देन अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला एफ जो होगा वो क्यू बी बी होगा, मैक्सिमम होगा, फोर्स मैक्सिमम होगा व्हेन इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब चार्ज की बात कर ली जाए, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा है ऑन प्लस क्यू अगर चार्ज है, ये डाउनवर्ड में फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी अगर आप यहाँ पर निगेटिव चार्ज कंसिडर करते हैं, तो ये केस रहेगा इन बोथ दी सिचुएशन कि आपका वी और बी सेम रहेगा, एफ की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दी नेचर ऑफ दी चार्ज, जो भी चार्ज की नेचर होगी उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा, राइट। तो अब नेक्स्ट, अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो नेक्स्ट देखते हैं। इसका मैग्नीट्यूड की फॉर्म में इसकी यूनिट देख लें क्या है, बी की यूनिट क्या है। अगर आप 1 कूलम का चार्ज यूज करते हैं उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है, फोर्स वहाँ पर 1 न्यूटन है, थीटा जो है 90 डिग्री है, तो जो बी होगा बी की जो यूनिट होंगी वो होगी टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर, और अगर कूलम को आप एम्पियर मीटर में चेंज कर दें इस वे के अकॉर्डिंग तो क्यू इज इक्वल टू आई टी होता है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, तो फ्रॉम दैट ये सी जो होगा एम्पियर इंटू सेकेंड होगा, और यहाँ से ये सेकेंड सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपके पास एम्पियर एंड मीटर बचेगा, तो दूसरी यूनिट इसकी आपकी न्यूटन पर एम्पियर मीटर है। तो ये बी के यूनिट हैं, टेस्ला भी है, वेबर पर स्क्वायर मीटर भी है, न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर भी है और न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी है। तो ये यूनिट की बात हुई ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। एंड नाउ द बायो सावर्ट लॉ, यहाँ बायो सावर्ट लॉ किस तरीके से ड्राइव किया है वो पॉइंट नहीं है, आई विल जस्ट एक्सप्लेन कि उनके कुछ जो मीनिंग है उसका मतलब क्या है।
आप अगर बायोसावर्ट लॉ देखते हैं तो आपके पास में जो टोटल रिजल्ट है, मैग्नेटिक फील्ड विच प्रोड्यूस बाई ए करंट विच इज़ फ्लोइंग इन टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर एंड अमाउंट जो उसका आई है, तो उस आई की वजह से इस पी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा अगर वायर जो है वो एक्स वाई लेंथ का है। तो आपने यहाँ डिफाइन कर दिया कि वो जो होगा इंटीग्रल म्यू नॉट अपॉन फोर पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, वेयर थीटा जो है आपका, थीटा इज़ द एंगल जो डी एल वैक्टर है इस वेरी स्मॉल सेगमेंट ऑन दी वायर मेकिंग एन एंगल विद पॉइंट पी जिस डायरेक्शन में आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट। सो थीटा वो एंगल है और यहाँ वेक्टर डी एल ये कंसिडर किया है और ये वेक्टर आर के थ्रू इसको डिनोट किया है पोजिशन वेक्टर। तो यहाँ ये सारे पॉइंट हैं, तो आर बेसिकली रेडियल डिस्टेंस हो गया है फ्रॉम दी ये जो करंट एलिमेंट है। आई यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया है कि करंट फ्लोइंग कर रही है, थीटा ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। ये जो फार्मूला आया है टोटल मैग्नेटिक फील्ड का ड्यू टू दिस लेंथ ऑफ दी वायर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट पी, उसका जो ओरिजिन है वो ओरिजिन ये है जो आपने यहाँ लिखा है डी बी। तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब है। यहाँ एक छोटा सा एनालिसिस करके मैं आपको बता दूँ कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर वेक्टर आर है और ये जो आर यहाँ मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखा है देयर इज अ रिलेशनशिप, आप भी अवेयर होंगे बट आफ्टर दैट ऑल्सो कि वेक्टर आर पोजिशन वेक्टर है जिसको हम इस वे में डिफाइन करते हैं विद द यूनिट वेक्टर आई जे के और उनके कंपोनेंट अलोंग द एक्स वाई जेड डायरेक्शन। ये मॉडुलस ऑफ आर है दैट इंडिकेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर आर, तो उसको इस वे में लिखा है एंड फार्मूला इज स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर आपको यूनिट वेक्टर आर लिखना है तो यूनिट वेक्टर आर जो होगा उसका रेशो होगा ये वेक्टर आर अपॉन मोड ऑफ आर, तो आप सिंपली इस वे में लिख सकते हैं। और अगर मैग्नीट्यूड आर को डिफाइन करना है तो यूनिट वेक्टर आर और वेक्टर आर की प्रोडक्ट के थ्रू हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। तो यहाँ डी एल क्रॉस आर लिखा है तो जब क्रॉस प्रोडक्ट के बाद आप इसको सोल्व करेंगे राइट, तो डी एल आर साइन थीटा आएगा, उस आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा तो आर स्क्वायर बचेगा, तो वो फॉर्म यहाँ पे लिखी है। एंड दिस डी बी इज स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट ड्यू टू दिस स्मॉल सेगमेंट ऑफ डी एल। अगर आप पूरी लेंथ की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं तब आपको इंटीग्रेट करना होगा इसको विद रेस्पेक्ट टू दिस लेंथ फ्रॉम एक्स टू वाई विद इन दिस जो भी एंगल होंगे कि ये यहाँ पर जो एंगल डेवलप करेगा और ये एंड जो एंगल डेवलप करेगा जिसको नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए आप ये जो वैल्यू लिखी है डी एल आर साइन थीटा राइट, ये डी एल क्रॉस का मतलब आर का मतलब है डी एल आर साइन थीटा, तो अगर ये वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो आई डी एल आर साइन थीटा हो जाएगा, आर से कैंसिल आउट आर स्क्वायर, तो आई डी एल साइन थीटा जो कि यहाँ इस फार्मूले में लिखा है। म्यू नॉट की जो वैल्यू है दैट इज़ 4π × 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर लिखा हुआ है, और ये म्यू नॉट एक्चुअली परमेबिलिटी है ऑफ द फ्री स्पेस दैट बेसिकली सिग्निफाइज हाउ मच अमाउंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिस मीडियम कैन पास राइट। तो ये पॉइंट है अभी ने, ये तो हुआ फार्मूले के बारे में और उसके कंपोनेंट। अब अगर थोड़ा एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया जाए कि इफ थीटा इज जीरो, थीटा जीरो तब होगा अगर ये पी पॉइंट जो है ये जस्ट अबव दी ये जो वाई पॉइंट है वाई एंड है ऑफ दी वायर एंड देन दैट टाइम थीटा अगर जीरो हुआ, फार्मूले से आप एनालाइज कर सकते हैं कि ये वैल्यू जीरो हो जाएगी दैट मीन्स बी जीरो हो जाएगा। तो इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो बी इज इक्वल टू जीरो देर इज नो मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट राइट।
अगर थीटा 90 डिग्री है देन दैट टाइम यू ऑब्जर्व साइन थीटा जो होगा 1 होगा और इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी बी की। तो थीटा अगर 90 डिग्री है, ये थीटा 90 डिग्री है राइट, देन मैक्सिमम होगा मैग्नेटिक फील्ड। और अगर थीटा 180 डिग्री है, इस एक्स एंड पर आ जाए यहाँ इधर आ जाए, तब भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, मिनिमम होगा। तो अब एक ये एंगल डिपेंडेंसी आई मैग्नेटिक फील्ड की, कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एंगल पर कैसे डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट, अगर आर को देख लें, जो रेडियल डिस्टेंस है, ये आर है, आर कम होगा या ज़्यादा होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, वो आप देख रहे हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आर कम हुआ तो ऑब्वियस है कि मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। आर अगर ज़्यादा हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका वो कम होगा। दूसरे पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि जो बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ है। ये बोल रहे हैं कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर लेंथ आपकी ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस है कि मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट एट ए फिक्स डिस्टेंस वो शुड बी मैक्सिमम। बट हियर इज ए क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क इज दैट कि दिस फार्मूला इज वैलिड ओनली फॉर ए स्मॉल लेंथ राइट, ए फाइनाइट लेंथ, उसके लिए ही ये फार्मूला वैलिड है। एंड देयर इज नो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, उसका कोई भी एक्सपेरिमेंटल फैक्ट ऑब्जर्वेशन अवेलेबल नहीं है, कोई ऐसा एक पर्टिकुलर एक एक्सपेरिमेंट। तो ये कुछ इस यहाँ लिमिटेशंस हैं एंड केसेज हैं जिसको आप देख रहे हैं। अगर लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है तो इंटीग्रेशन होगा डीएल का फ्रॉम एक्स टू वाई। अगर उस लेंथ को कैपिटल एल से डिनोट किया है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ उसके जो मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट है, एक्सट्रीम जो लिमिट्स हैं उसके बीच उसके इंटीग्रेट किया है। तो अब एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया है जिसमें आई करंट का फ्लो हो रहा है और ये वायर जो है बिल्कुल स्ट्रेट है। और यहाँ इसको हम लोग अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ तो इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। आई करंट का फ्लो हुआ है, वैसे ही एक स्मॉल सेगमेंट ऑफ द लेंथ कंसिडर किया डी एल, और ये जो पी पॉइंट है ये कहीं भी हो सकता है, इस पॉइंट पे हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, अभी एट दिस पॉइंट कंसिडर किया है। यहाँ से अगर एक नॉर्मल ड्रा करते हैं तो यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा किया ऑन दिस जो कंडक्टर है तो वो इसको यहाँ पर कट करेगा और जहाँ कट करता है उसको सी पॉइंट से मेंशन किया है। इस सी पॉइंट का और इस पी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो मेंशन कर दिया कि ए है। एक्स और वाई ये जो दो एक्सट्रीम एंड हैं ऑफ द वायर, उसको आप देख रहे हैं कि वहाँ जो लोड है वो फाई वन एंगल ये पी पॉइंट से बनता है और दूसरा जो एक्सट्रीम एंड है वाई वहाँ पे उस एंगल को जो ये पी पॉइंट से ड्रा हुआ है वो फाई टू है। और फाई एंगल एक्चुअली ये एंगल है जहाँ आप वेक्टर डी एल के साथ इस पॉइंट को कनेक्ट करते हैं, तो ये फाई एंगल है। जो वेक्टर डी एल है दैट मेकिंग एन एंगल विद दिस पॉइंट थीटा, और डी एल इस डायरेक्शन में कंसिडर किया है। यहाँ वेक्टर डी एल का जो सेंटर पॉइंट है जहाँ से इसको कंसिडर किया है राइट, और अप टू दिस सी पॉइंट ये जो डिस्टेंस है वो स्मॉल एल कंसिडर किया है। तो यहाँ फाई क्या है, थीटा फाई टू क्या है, फाई वन क्या है, थीटा क्या है, इन सभी को एक्सप्लेन कर दिया। और इसको डिफाइन करने के लिए कि इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वो बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन फोर पाई ए साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू के इक्वल होगा। ड्राइव नहीं किया है बट यूजिंग दिस ट्राइंगल पी ओ सी यू कैन बेसिकली ड्राइव द रिजल्ट बाय यूजिंग द अर्लियर जो बायो सावर्ट लॉ है उसमें वैल्यू पुट करके ऑफ डी एल ऑफ आर एंड साइन थीटा। सो हियर थीटा प्लस फाई इज 90 डिग्री, यू कैन यूज दिस वन। हियर ए इज गिवन, एल इज गिवन, आर की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, वो सभी वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा। सो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई इंटू आई अपॉन ए कोस फाई डी फाई, ये रिजल्ट मिला है।
और कोस फाई कहाँ से आया है ये मैं अभी आपको बता दूँ, तो ये जो फार्मूला था उसको कन्वर्ट किया है। अगर मुझको बी फाइंड आउट करना है तो बी के लिए जो होगा मुझको इसको इंटीग्रेट करना होगा विद इन द लिमिट 51 to 52। इस 51 मिनिमम एंड से लेके इस मैक्सिमम एंड तक इसको इंटीग्रेट करना है। बट यहाँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि 51 की जो साइन कंसीडर किया है वो माइनस में कंसीडर किया है। यहाँ इसको मैं आपको बता दूँ कि 51 को -51 क्यों लिखा है। आप मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट कर रहे हैं और जो मैग्नेटिक फील्ड है आप देख रहे हैं कि करंट अभी अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो होगा वहाँ उसकी लिमिट हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, और जो डाउनवर्ड होगा उसको उसके लिए हम जो है वो नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो 51 यहाँ विद रेफरेंस टू लाइन, आल्सो आप लाइन की सेंस में भी बोल सकते हैं कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। दूसरा आप अपोजिट भी कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ ये एक्सट्रीम एंड है माइनस डाउनवर्ड साइड में, तो -51 इसलिए कंसिडर किया है, 51 ये एंगल है जिसको अपोजिट क्वाड्रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं या इस लाइन के रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो -51 किया है। मैग्नेटिक फील्ड के कंसेप्ट में देखते हैं तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वहाँ पे पॉजिटिव उसको हम लोग कंसिडर करते हैं, डाउनवर्ड में जो होगा उसको माइनस की फॉर्म में कंसिडर करते हैं। बट यहाँ अल्टीमेटली जो फ़र्क पड़ेगा वो मैग्नेटिक फील्ड पे पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस जो अभी लिमिट्स हमने कंसिडर की हैं, तो माइनस वो एक्सट्रीम एंड है एक्चुअली, राइट। अब यहाँ कुछ केसेज हैं कि अगर 51 52 आपका 90 डिग्री हो, दैट मीन्स कि वायर जो है आपका इनफाइनाइट लेंथ का है और 51 52 आपने 90 डिग्री कर दिए हैं, तब अगर आप उनकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिलेगा ये 2i/a। तो sin 51 + sin 52 दोनों ऐड हो जाएंगे, राइट। अब सेकंड केस है जहाँ ये कंसिडर किया है कि वायर की लेंथ इनफाइनाइट है बट 52 एंगल 0 है और 51 ऑब्वियस है कि 90 डिग्री होगा। ऐसा किस सिचुएशन में होगा ये आप देख रहे हैं कि अगर ये इनफाइनाइट वायर है, लेंथ का वायर है और पी पॉइंट जस्ट अबव दी ये वाई है, तो यहाँ ये एंगल जो है आपका 51 एंगल जो है वो ऑलमोस्ट 90 डिग्री का होगा और 52 जो है वो 0 होगा। 51 एंगल एक्चुअली इस रेफरेंस लाइन के साथ में है और ये डाउनवर्ड जितना होगा, जितनी लेंथ ज़्यादा होगी वो उतना ही होगा, दैट मीन्स ये एंगल इंक्रीज करेगा। जब ये एंगल 90 डिग्री होगा तो ऑब्वियस है कि ये जो एंगल है वो डिक्रीज होगा, तो ये 0 होगा उस सिचुएशन में। जो बी है दैट इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4π/i/a। और एक थर्ड सिचुएशन है जहाँ वायर की लेंथ फाइनाइट कर दी है और 51 52 इज इक्वल टू फाई है, सो यू कैन सी हियर दैट अगर ये लेंथ एल है तो इसका हाफ जो है उस के रिफरेंस में ये पी पॉइंट कंसिडर किया है, इसका डिस्टेंस यहाँ ए है, राइट। और ये ऑब्वियस है कि हाफ पार्ट जो है L/2 होगा, तो यहाँ से आप साइन फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये एंगल फाई होगा अब जहाँ, तो साइन फाई की वैल्यू आपके L/2 / ये पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये वैल्यू साइन फाई की आप पर जो अर्लियर फार्मूला है उसमें पुट कर सकते हैं जो स्ट्रेट वायर के लिए बायो सावर्ट ने यूज किया है, उसको यूज कर सकते हैं, वहाँ से रिजल्ट मिलेगा। तो अब एक केस और बचा है कि अगर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है और आप एक प्लेन परपेंडिकुलर टू दी ये इस तरीके से कंसिडर करते हैं, तो इसमें ये जो सर्कुलर रिंग्स हैं बेसिकली लूप्स जो आप देख रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड के हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी अराउंड दिस वायर वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। अगर करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तब ये क्लॉकवाइज होगा इसके चारों तरफ, ये आपका कोई भी वायर और इस वायर के ये चारों तरफ लूप है,
तो ये क्लॉकवाइज होंगे, एंटी क्लॉकवाइज होंगे, इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। और डायरेक्शन ऑफ द करंट अगर अपवर्ड हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, डाउनवर्ड हैं तो क्लॉकवाइज। तो ऐसा ये मेंशन किया अबाउट द डायरेक्शन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ द कंसेप्ट आर हेल्पफुल देन प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच वीडियोस। और यहाँ एक जो बेल है उसको भी आप दबा दें टू गेट दी जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है अबाउट दी वीडियोस। सो थैंक्स वंस अगेन।